हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 भूगोल में। तो एक कक्षा 12 यूपी बोर्ड भूगोल का पार्ट 3 है, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी नोट किए जा चुके हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको इसका सूत्र लिख देना होगा, लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000। तो ये प्रश्न जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो 3 नंबर का पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नंबर का ये नहीं पूछा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं। तथा उसके प्रकार लिखिए, ये आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न बनेगा। इसका उत्तर आप लिखेंगे, जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का रेखा चित्र है जिसके माध्यम से जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। इतना लिखने के बाद आप इस तरह से फिगर बनाएंगे। देखिए, जनसंख्या पिरामिड में इस साइड में स्त्रियों की संख्या को दर्शाया जाता है और इस साइड पुरुषों की जनसंख्या को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न इतना पूछे जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, तब आप इतना लिखेंगे और ये फिगर बना देंगे तो 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन प्रश्न देखिए, जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं तथा उसके प्रकार लिखिए, ये प्रश्न आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। अब मैं उसके आपको प्रकार को बताता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे फिर से जनसंख्या पिरामिड के प्रकार। अब उसमें यह 3 प्रकार का होता है। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड। यह पिरामिड उन अविकसित देशों की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या होती हैं, उच्च होती हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। उदाहरण लिखेंगे नाइजीरिया। इसमें आपको 3 पॉइंट यही फेमस हैं। जहाँ पर मैं पहला पॉइंट लिखा था कि यह पिरामिड उन अविकसित देशों की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें उच्च होती हैं। दूसरा बात कि इसका आकार आपको लिखना है कि इसका आकार कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। उदाहरण आप लिख देंगे 2-3 देश, एक ही देश लिखेंगे तो भी सही होगा, नाइजीरिया। आप फिगर भी बना सकते हैं। दूसरा है आपका स्थिर जनसंख्या पिरामिड। तो इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि यह पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को स्पष्ट करता है जिनमें जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग समान होती है। यह पिरामिड घंटी के आकार वाला होता है। उदाहरण आप लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है आपका ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। इसमें देखिए आपको क्या लिखना है कि यह पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या होती हैं, निम्न मिलती हैं। इसका आकार संकीर्ण तथा शीर्ष भाग कैसा होता है, सुंडाकार होता है। उदाहरण लिख दीजिएगा जापान। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है आपका ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र किसे कहते हैं। अभी मैं इसका भी उत्तर बताऊंगा, लेकिन जो उत्तर लिखा हुआ है वो उसके हिसाब से है कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ये प्रायः प्राथमिक कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे खेती करना, पशुपालन इत्यादि। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहता है वैसा क्षेत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। उनके कार्य यही आप लिखेंगे, जैसे खेती करना, पशुपालन इत्यादि। अगला प्रश्न है आपका, ये जो ऊपर मैं बताया ये 3 ही नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, नगरी जनसंख्या किसे कहते हैं। ये भी आपका 3 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरी जनसंख्या कहते हैं, जिनमें निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है। उदाहरण लिखेंगे, जैसे द्वितीयक क्रियाएँ में, तृतीयक क्रियाकलाप इत्यादि। तो इसमें देखिए, मैं केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपको लिखा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन्हें जरूर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे, कुल कार्यशील जनसंख्या में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात व्यावसायिक संरचना कहलाता है। इसमें लिखेंगे, इसमें 15 से 59 वर्ष वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। जब आप इतना लिखेंगे तब आपका प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होगा। तो ये भी आपका 3 ही नंबर का पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। इसी तरह के भूगोल के नोट्स पाने चाह रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्टडी 5.6 भूगोल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।